जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। इधर मैंने हथेली पलटा है, उधर महल जमीन बोस। अल्लाह, ये बात तो मैं जानती ही नहीं थी कि तुम्हारा आशियाना भी उसी शाख पर है जिसे मैं काट डालना चाहती हूँ। अब मजा आएगा। आई थी वो? आई थी तो वापस क्यों आ गई? भैया ने तलाक दे दी उल्फत को। या मेरे खुदा, इतनी जगह साई, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उस औरत ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अफजल इतनी जल्दी तलाक का लफ्ज मुझसे निकाल देगा। मेरा ख्याल था 2-3 डोज देनी पड़ेगी, लेकिन वो तो पहली बार में ठुस हो गया। इतने मजे का सीन था, पूरी दुनिया इकट्ठी थी, मैंने भी मौके का फायदा उठाकर सब कह दिया। मानो सारी मार का बदला ले लिया। वो कहते हैं ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चौका है, या फिर क्या, 100 सुनार की 1 लोहार। हाँ, इतने अरसे बाद सुकून की नींद सोऊंगी मैं। शक्लें देखने वाली थी तीनों भाइयों की, खासतौर पर सकमल की। उसे तो मैंने ऐसी धूल चटाई है कि बेचारी की सातों नस्लें याद रखेंगी। मुझे मारने के लिए पत्थर उठा रहा था, हम उसी पत्थर से अपना सर फोड़ रहा होगा। आपने कुछ भी नहीं खाया? मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ तो खा लें चटी जान। मुझे कहीं से जहर ला दो, वो खा के मर जाओ। कैसी बातें कर रही चटी जान? दुनिया में ना हर मसले का हल होता है। तलाक का कोई हल नहीं है, लेकिन जो की गुंजाइश है सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करेगा सब ठीक हो जाएगा। क्यों, तुम्हारी अजर से कोई बात हुई है? उसने कुछ बताया तुम्हें? कल शाम से कोई बात नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं। मैं तुमसे कहा था ना, तुम्हारे ख्वाबों का महल मेरे हाथ पे खड़ा है। क्या सुबह सुबह मुझसे बदफाल निकाल रही हो? हाय, इतने अरसे बाद सुकून की नींद सोई हूं मैं। सबके नींदे उड़ाकर।
अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है बहन? आप इस वक्त आई आंटी ने तशरीफ रखे जी? नहीं, ये रखी अपनी अंगूठी और बाकी सामान। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? दिल तो मेरा चाह रहा है कि लोगों को इकट्ठा करके लाऊं और ये अंगूठी आपके मुंह पर मारूं, पर इज्जतदार लोग हैं हम, चौक पे तमाशा करना नहीं आता हम। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। बीबी, समझ तो मुझे भी नहीं आई थी जब मेरे भांजे ने आंखों देखी खोल खोल के मुझे बताई थी कि किस तरह तुम्हारी बहन ने अपने शौहर की इज्जत की धज्जियां बिखेरी। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हुई। अच्छा, तलाक तुम्हारे नजदीक कोई बात नहीं है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। ये कोई नेकी होगी जो हम बच गए। जब बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी कैसी है? मेरी फरहत बहुत अच्छी, बहुत नेक बच्ची, वो ऐसी नहीं है। मैं कोई जाहिल गवार औरत नहीं हूँ। दुनिया का कोई कानून, कोई मजहब तलाक के लिए मना नहीं करता अगर दूसरा फर्द साथ रहना ही ना चाहता हो। मगर जिस तरह तुम्हारी बेटी ने तलाक ली है ना, तौबा तौबा। बात तो सुनो, रुजू की गुंजाइश है ना बेटा? रुजू की गुंजाइश? किसने कहा है? कौन कर रहा है गुंजाइश? अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी जान छूटी उससे, और अब आप फिर नया जाल लाने के लिए तैयार हो गई हैं। और वैसे भी जो मैं उसके साथ करके आई हूँ ना, मैं खुद जाऊंगी, तरीके से बात करूंगी। अभी तो वो गुस्से में है। वो नहीं समझेंगी अम्मी, वो सब कुछ वापस कर गई और मेरी अंगूठी ले गई है। मेरी छठी हिस कहती थी कि मेरी जिंदगी में बर्बादी आपकी वजह से होगी। लो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अहलाम होते हैं, आने वाले वक्त का पहले से पता चल जाता। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो सुकून से आप भी नहीं रह पाएंगे। चलो, एक बदवा और सही, अब तो आदत सी हो गई है मुझे। आप इस दुनिया की सबसे बदतरीन बीवी, बेटी, माँ और अब एक बदतरीन बहन साबित हुई हैं। तुम ज्यादा बोल रहे हो फरहत, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बहन, इस लफ्ज का मतलब पता है आपको? रिश्ते इंसानों से होते हैं और आप एक इंसान नहीं, डायन है, डायन। हद होती है बर्दाश्त की भी, जो मुंह में आ रहा बोली चली जा रही हो। अरे, मैं तो अपना मसला हल करने के लिए गई थी, कौन सी चिट्ठी लिखी थी खाला के लड़के को कि आकर शो देखे? तुम्हारी किस्मत खराब है तो मैं क्या कर सकती हूं? मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? क्या हो गया बेटा? हेलो हेलो कौसर, सारी रात अजहर ने फोन नहीं उठाया और अब उनका फोन बंद है। तमकिनत, यहाँ किसी को किसी चीज का होश नहीं है। अच्छा, अजहर से कहो मुझसे एक मिनट बात कर ले, सिर्फ एक मिनट। अभी बहुत मुश्किल है,
अभी तो अजहर भाई अफजल भाई की जान को लेके इतना ज्यादा परेशान हुए, उनका बीपी शूट हो गया है। और असद, अफजल को सही तरह गोद में उठाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? ओके। हेलो तमकिनस, मैं यार तुम अफजल के पास चलते, अरे मैं उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लूंगी, वो जो कहेगा मैं सुन लूंगी, बस एक बार उल्फत अपने घर चली जाए सब ठीक हो जाएगा। जी लेकिन आप कैसे जा सकती हैं, आप तो इद्दत हालत मजबूरी में इद्दत में निकलना जायज है, और इससे बड़ी और क्या मजबूरी हो सकती है मेरे लिए। हाथ सर। जी भाई, कल दफ्तर कौन कौन सब थे? कई हम ब्रदर्स के बेटे भी थे। वो कैसे नहीं होते भाईजान, हमारे दफ्तर के बराबर में तो दफ्तर है उनका। शोदल्ला भी थे जी। सिद्दीकी साहब मेरे साथ ही थे। ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? तो ये साबित हुआ कि कल हर शख्स ने मेरी बेगोरो कफन लाश देखी। कोई ना बचा कि मैं कह सकूं कि शुक्र है कि फला शख्स नहीं था। जो नहीं था उसने सुन लिया। चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहा? खुदकुशी हराम क्यों है? खुदकुशी हराम क्यों है? क्या बात है अजहर भाई, अब तो पहचान से भी गए। अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry यार, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया आपकी तरफ। किसकी दवाई लेने आया, घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस वो ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं समझ सकता हूँ, ऐसी सूरत हाल में कोई भी शख्स खुद पर काबू नहीं पा सकता। जी जो कुछ कल हुआ
बेहतर होता घर की बात घर में निपटा ली जाती तो ये सब ना होता। मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं मिलता हूँ। हेलो हेलो अजहर, इतनी मुश्किलों से आपकी आवाज सुनी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान थी। चलो आज इस पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा परेशान कोई दूसरा भी है। मैं दूसरा नहीं हूँ अजहर। किसलिए फोन किया? यहाँ का हाल जान ले। नहीं नहीं, मैंने तो आपसे बात करने के लिए कॉल की। हो गई बात? अजय प्लीज, इतनी अजनबियों की तरह बात मत करें प्लीज। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल वक्त है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, कोई नहीं है हमारे साथ, कोई भी नहीं है। साया भी साथ छोड़ गया है हमारा। अजय प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा प्लीज। खुदा का वास्ता है, रहम खाओगे तुम लोग हम पे या नहीं? अजय प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा, थोड़ी सी बात कर ले। अजय ठीक है, अब कुछ ना बोल, सिर्फ फोन पे रहे। आपकी सांसों की आवाज, आपकी मौजूदगी का एहसास, यही बहुत बड़ी बात है। आप समझे ना सर। हेलो अजहर, अजहर मेरा नाम अपने नाम के बाद मत छोड़ना। मैं अपना नाम अपनी पहचान भूलकर इस दुनिया से गुम हो जाना चाहता हूँ। मुझे पुकारना मत, पुकारना मत। तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मेरा हक महर भी बाकी है, जेवरात भी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ लेने के लिए जाऊंगी, आप देखिएगा। हमने तो साथ में कुछ भी नहीं दिया था, फिर क्या लेकर आओगी? वैसे तुम वैसे हम अलग हैं।
आगे मत आइएगा, रुक जाए वहां पर। अफसर अजर, अजर इनसे कोई आज चली जाए। मैं तुमसे बात करने आई हूं। अजर ये चली जाए यहां से, निकालो आपको मेरे घर से। क्या हो रहा है अब? निकालो मेरे भाई जान। अफजल भाई जान, इनको निकालो मेरे घर से यार, निकालो मेरे घर से। जाइए यार, आपको कैसे जाइए, प्लीज चले जाइए आप, जाए। क्या हुआ है आपको? घर कैसे जाएंगे बेटा, कौन सा रास्ता है? आप यही ठहरिए, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? आ रही हूँ। अजय, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अजय, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मेरा कसूर? तुम मेरा कसूर बता दो। तमकिन जलाल बेग? नहीं, तमकिन अजर। मेरा नाम अपने नाम के बाद मत छोड़ना। मैं अपना नाम अपनी पहचान भूलकर इस दुनिया से गुम हो जाना चाहता हूँ। मुझे पुकारना मत। पुकारना मत? मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया वाले? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? वही मुंह दिखाना, वही जवाब देना जो मैं दुनिया वालों को दे रहा हूँ। जितना जानने का दावा कर। दावा? दावा भूल चुका हूं मैं सब कुछ। अपना नाम, शनाख्त, मकाम सब कुछ याद है। तो वो तमाशागाह जहां हमारी इज्जत लोगों के पैरों में रुल रही थी और हमारा सिर तमाशबीनों के कदमों में था। और मोहम्मद? डैम इट, डैम इट! अगर मोहब्बत और इज्जत में से मुझे कुछ चुनना पड़े ना, तो मेरे हाथ इज्जत की तरफ बढ़ेंगे। तमकिरत, लोग मेरी तरफ इशारा करके बोलेंगे देखो वो जा रहा है अजर, इसकी भाभी है ना। उसकी मुझे क्यों अजर? मैं उस जैसी नहीं हूँ। मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है तमकिरत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से, चली जाओ, जाओ यार। तमकिनत, देखो ना गौसा, मुझे उस जुर्म की सजा दे रहे जो मैंने किया ही नहीं। हाँ, तुम्हें सजा क्यों देंगे? अच्छा भाई, तमकिनत ने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर, क्या लेने आई हो यहाँ पे? तुम्हारी बहन ने हमारे बाप दादा के शिमले को पहले तले रोन दिया, अब कौन सी कसर रह गई थी जो तुम यहाँ निकालने आई हो? निकलो यहाँ से, निकलो! क्या हो गया सलमा बाजी? ये तमकिनत है। खामोश, मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना बुरा बिहेवियर। तो क्या करती? दरवाजे में तेल डालती, फूलों का हार पहनाती या सदका करती उसका? तो यही सब करना पड़ेगा आपको। जब वो एक बार रुखसत होकर इस घर में आएगी तो आप यही सब करेंगी। रुखसत? तुम्हें क्या लगता है मैं अब उसकी रुखसत ही करवाऊंगी? क्या मतलब है, कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपने भाई की बारात उस दरवाजे पे लेके जाऊंगी जहां पे इस्तकबाल करने के लिए वो मनहूस औरत खड़ी होगी? तो हम उस दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तमकिनत हैदराबाद से अपनी आपा के घर से रुखसत होके आ सकती है। कौसर, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? बात यहाँ कराची या हैदराबाद की नहीं है, बात उस खून की है जो उन दोनों बहनों की रगों में दौड़ रहा है। और खून एक दिन अपनी तासीर जरूर दिखाता है। मैं कैसे मान लूं जो उल्फत ने किया कल को वो तमकिनत नहीं करेगी? बाजी, आप जानती हैं तमकिनत ऐसी लड़की नहीं है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आज के बाद हमारा उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी ये बात सब कान खोल के सुन लें। अजर भाई, आप चुप खड़े? वो इतना कुछ बोल गई, आपने एक लफ्ज नहीं बोला।
तो फिर मेरी भी सुन ले। मैं तमकिनत के साथ हूं और मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। तो किसने कहा था माजत करने जाएं? मुझे कोई शर्म सारी नहीं, पहले ही मालूम था ये घी तो सीधी उंगली से निकलने वाला है ही नहीं। मिल गया तके का जवाब, बैठ गई सुकून से, वरना सबकी सब मिलके मेरा दिमाग खाती। और वो अगर रुजू कर भी लेता ना, तब भी तो जवाब मुझे देना था। और जानती हूँ मैं ये आइडिया तुम्हारा ही होगा, मगर एक बात याद रखो, मंझदार में खड़ी कश्ती का सुराख कभी बंद नहीं हो सकता। आप अपने तक महदूद रहिए, मुझमें साहिल तक तैर के जाने की हिम्मत है। टूटे बाजू से कभी कोई तैरा है क्या? उधर अफजल भी अपने भाइयों को अपना बाजू कहता है। बीबी तुम्हें क्या लगता है, बाजू सिर्फ जिस्म की मर्जी से हरकत करते हैं? आप अपनी पेशन गोयों को अपनी जात तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। वहां पे भी सब सदमे में गुस्से में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे। चलो देख लेते हैं, वो वक्त भी कौन सा दूर है। अच्छा एक बात तो बताओ, सिर्फ जबान से चले जाने को कहा था या हाथ पकड़ के निकाला था? जी आपके यहाँ उल्फत फिरोज बेग? नहीं, वो मेरी बहन है। बोले जी, उन्हें बुलाया, उनके नाम की रजिस्ट्री आई। मैं हूँ उल्फत फिरोज बेग। मैडम यहाँ पे सेंड कर दीजिए। थैंक यू। इसी का तो इंतजार था मुझे। खुदा भला करे अफजल सईद का अल्लाह उसे खुश रखे। तलाक पे खुश हो रही है कब्बा? छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आया? बच्चे मेरे और हमेशा मेरे ही रहेंगे। आपने सुना नहीं है, रोजे हश्र में बच्चे माओ के नाम से पुकारे जाएंगे, आप उनकी फिक्र ना करें। अभी तो पहली तलाक भेजी है, सोचने को बहुत वक्त पड़ा है। अफसल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं जाके उससे बात करूंगी। क्या हो गया आपको? अल्लाह अल्लाह करके तो अफसल से जान छूटी है, अब आप वकील बनकर क्यों जाएंगी? तो फिर तुम क्या करोगी? करना क्या है, पहली आ गई है ना, अब दूसरी तीसरी का इंतजार करूंगी। मैं सोचती थी कि आप सबके साथ इतना बुरा क्यों करते, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आप खुद के साथ भी इतना बुरा कर लेंगी। तुम्हें से क्या मतलब है? और मैं ये भी सोचती थी कि आपको सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आपने यहां भी मुझे गलत साबित कर दिया। आपने तो खुद से भी मोहब्बत नहीं की। जहां तक मैं जानती हूं ये दोनों भाई सारे काम एक दूसरे के मशवरे से करते हैं, तो फिर इसमें तो तुम्हारा तलाकनामा भी होना चाहिए था, है ना? बराए रास्त तो आंटी मुझे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अली तक मेरी सारी खबर पहुंच जाती है। ये भी वो पंजाब गई हैं तो मुझे यहाँ रहने का मौका मिल गया। वो आ जाएंगी तो मुझे यहाँ की फिक्र लगी रहेगी। वैसे भी अब बच्चे काफी बहल गए। बाजी आपने असद को देखा? उसे चुप लग गई है। भाईजान के डर से उसने अपनी माँ का नाम लेना तक छोड़ दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा? वो अंदर ही अंदर घुट रहा है बाजी। उल्फत जैसी माओं के बच्चे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। और ये अफजा,
से तो कुछ भी नहीं पता। जिसकी गोद की गर्मी मिली उसी को ही मां मान लिया। तो क्या करे कौसर, मैंने या तुमने तो कुछ नहीं किया ना। जो कुछ किया है इनकी मां ने ही किया है ना। आज उसे तीसरी तलाक भी पहुंच गई, आया उसे होश? माजी तमकिनर, बस ये उल्फत का मामला निपट जाए फिर इस तमकिनत का किस्सा भी खत्म करती हूँ। लोगों के सवालों के जवाब दे देकर मेरी जबान थक गई है। और मेरा भाई अफजल, उन्होंने तो खुद को कमरे की हद तक महदूद कर दिया। आखिर किस तरह लोगों का सामना करें? तुमने कुछ पूछा? और अकमल, उसकी भी खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है। मेरा इतना आन बान वाला भाई कुछ गलत नहीं कह रही मैं, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? इतने दिन हो गए आप घर से नहीं निकल रहे। अकमल की मिसाल तो दूंगी ना, 2 महीने कम नहीं होते अब से। कारोबार दाव पे लगा हुआ है, आपकी खामोशी लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही है। और आपने कोई चोरी तो की नहीं है जो इस तरह छुपके बैठे हुए सीना तान के निकलिए? कुछ गलत नहीं कह रही मैं, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? अकमल की मिसाल मैं इसी वजह से दे रही, 2 महीने हो गए कारोबार दाव पे लगा हुआ है, कब तक इस तरह खामोश बैठे रहेंगे? आपने कोई चोरी नहीं की है जो छुपे बैठे हैं सीना तान के निकले? का सामना नहीं कर सकता, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे तो बुजुर्ग लोग करते हैं। मेरा अकमल तो बहुत बहादुर है। नहीं हूं मैं बहादुर, होता तो जान ले लेता हूं सौरभ। मैं भी तो जा रहा हूं, मैं आगे चलूंगा तुम मेरे पीछे चलो। सबके सवालों का जवाब मैं दूंगा, तुम्हारी ढाल बनूंगा। तैयार हो जाओ। तो बिलाखिर अकमल साहब तशरीफ ले ही है। तलाक भाभी को दी और इज्जत ने यह काट गया। तो
क्या बोला तुमने? सर, जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो जबान का चस्का कैसे पूरा करोगी? 3 महीने का खर्चा मिल गया है ना तुम्हें? तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मेरा हक महर भी बाकी है, जेवरात भी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ लेने के लिए जाऊंगी, आप देखिएगा। हमने तो साथ में कुछ भी नहीं दिया था, फिर क्या लेकर आओगी? बंदा सुकून से कह भी नहीं सकता, फौरन बातें सुनाना शुरू कर देती है। नहीं उठाएगा फोन, लिखवा लो मुझसे। इश्क की पिंगे बनाने से पहले मुझे देख लेना था ना भाई, मैंने तो पहले ही मना किया था इस रिश्ते से, मगर मेरी सुनता कौन है? ऐसे आशिक भी राह में छोड़कर चले जाते हैं। वो आशिक नहीं, वो शौहर है मेरे, है ना? ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि सिर्फ आशिक ही रास्ता बदलते, वो तो शौहर होते हैं जो सिर्फ सला के देते। आगे चल के आपकी बीवी को दे दूंगी। बीवी? हाँ भाई, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? क्या आप शादी नहीं करेंगे आप? क्या मैं आपको ऐसे लंडूरा घूमने दूंगी? इनकी लाई चीज खाने से बेहतर है मैं जहर चाट लूं। हटे मेरे रिश्ते से। किस तरह बात कर रही हो मुझसे? छोड़े मेरा हाथ। देख रही हैं आप, ये इज्जत है बड़ी बहन की।